आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। टाटा स्टील द्वारा भारत रत्न जेआरडी टाटा की 119वीं जयंती मनाई गई, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वॉकथॉन, एरो मॉडलिंग शो और कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चांडिल वासियों की जीवन रेखा कही जाने वाली NH-32 की जर्जर तब की मरम्मत के लिए NHAI के माध्यम से बीड़ा उठाया गया। टाटा स्टील द्वारा शनिवार को भारत रत्न जेआरडी टाटा की 119वीं जयंती मनाई गई, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर टाटा स्टील द्वारा शहरवासियों के वॉकथॉन, एरो मॉडलिंग शो और अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टाटा स्टील और अन्य समूह कंपनियों के गणमान्य व्यक्तियों और कर्मचारियों द्वारा जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे और विभिन्न अन्य स्थानों पर जेआरडी टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। एनिवर्सरी पे हम लोग हर साल इसका आयोजन करते हैं, एरो मॉडलिंग शो का। ये खासियत ये है कि बच्चों को हम लोग बुलाते हैं, हर स्कूल से इन्विटेशन करते हैं, जो जमशेदपुर के वासी उसको ऑडियंस में कोई और बोलना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस आज के प्रोग्राम के बारे में शेयर करना चाहेंगे। प्लेन के बारे में हम लोग उनको जानकारी देते हैं, जैसे कैसे उड़ती है, उसमें कौन कौन सा मोटर होता है, इक्विपमेंट क्या लगता है, कितनी रेंज है, कितना उसका हाइट में जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो बच्चे लोग का इच्छा होता है जो पूछे। और हम लोग जो क्विज होती है, जो जीता है उसको हम लोग एक्चुअली फ्लाइंग करने का भी मौका देते हैं। तो इसी तरह हम लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं, कैसे नए जनरेशन है इसको हम लोग आगे बढ़ाए। जेआरडी टाटा जयंती कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गोपाल मैदान में एरो मॉडलिंग शो रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। एयरो मॉडलिंग शो में इंटरैक्टिव डिस्प्ले और नाइट्रो इंजन, टर्बाइन इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन से लेकर विभिन्न आकार और प्रकार के मॉडल विमानों की शानदार प्रदर्शनी दर्शकों के लिए लगाई गई थी। शो में जमशेदपुर और कोलकाता की टीमें शामिल थी। शो के दौरान विमानों और अन्य मॉडलों का स्थिर प्रदर्शन किया गया, जबकि फन क्यूब, स्लो स्टिक और ट्विन इलेक्ट्रिक जैसे विमान उड़ाए गए। एरो मॉडलिंग शो में विभिन्न छोटे छोटे उड़ते विमानों की कलाबाजी देखकर उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत तेज उड़ता है, हाई आजकल देखोगे मूवीज में भी बहुत यूज होता है, जैसे फास्ट मूविंग कार है, चेस करना है, तो जो रेडीमेड वाले ड्रोन है वो सब नहीं कर पाते जो रेसिंग ड्रोन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इससे होती है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जो ड्रोन आता है उसमें नहीं होता, और अपार्ट फ्रॉम दैट छोटा होता है और टूटता फूटता नहीं है उतना, लाइक रगेड है एट द एंड, बट अगेन अगर मिस हैंडल करोगे तो इसे चोट भी लगता है। इनफैक्ट हम लोग जो उड़ाते हैं सबको ही चोट खाए हुए, ऐसा बोलूंगा, हाथ पैर कटते हैं, ऐसा होता रहता है। चांडिल वासियों के लिए जीवन रेखा कही जाने वाली NH-32 की जर्जरता इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। इसके बावजूद विभाग के जिम्मेदारों और दायित्ववान जनप्रतिनिधि के कानों में जू तक नहीं रेंगती। जर्जर सड़क का दंश झेल रहे चांडिल वासियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। वहीं सड़क की दुर्दशा देख झामुमो के केंद्रीय सदस्य सर चांडिल बाजार समिति के अध्यक्ष पप्पू वर्मा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं संग सड़क पर उतरकर इन दिनों जर्जर हुए चांडिल रेलवे बाईपास के साथ ही साथ चांडिल गोल चक्कर से जामटी तक NH-32 सड़क की मरम्मति NHAI के माध्यम से करवाने का बीड़ा उठाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को उक्त सड़क की मरम्मति को लेकर श्री वर्मा ने चांडिल स्थित पार्टी कार्यालय से प्रेस रिलीज जारी कर NHAI और रेलवे दोनों को संयुक्त रूप से एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कहा गया था कि जर्जर सड़क के कारण चांडिल सहित पूरे ईचागढ़ विधानसभा के लोग त्रस्त हैं। यदि विभाग एक सप्ताह के भीतर सड़क की मरम्मति नहीं करवाता है तो वे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं संग सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेंगे। बताया जा रहा है कि NHAI द्वारा ने उनके मांगों को त्वरित संज्ञान में लेते हुए बीते रात से रेलवे बाईपास सहित चांडिल गोल चक्कर से तांती बांध तक सड़क मरम्मति का कार्य कराया गया। वहीं पितकी फाटक से जामटी तक भी सड़क मरम्मति का कार्य जारी है। उन्होंने इसके लिए मीडिया के माध्यम से NHAI के प्रति आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि जब तक उक्त सड़क के पक्कीकरण का टेंडर नहीं हो जाता है तब तक चांडिल गोल चक्कर से जामडे तक सड़क की मरम्मति का कार्य NHAI को करवाते रहना होगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्तागण, हम लोग विगत दिनों मांग किए थे NHAI एवं रेलवे संयुक्त रूप से दोनों से मांग किए थे
कारण कि जो हमारा ये लाइफलाइन रोड है एनएच यहाँ सादा नोटल से लेके पिचकी जामडी तक, इसको इतना दुर्दशा हो गया, इसमें गाड़ी आज दिन गाड़ी का गुल्ला टूट रहा, लोगों का आना जाना परेशानी, बहुत परेशानी हो रही। इसको देखते हुए हमने मांग की थी कि एक सप्ताह के अंदर इसको भरा जाए, अन्यथा हम लोग इसका रोड पे सड़क पर आ जाएंगे। तो इसमें एनएचआई ने संज्ञान लेते हुए इस पर तत्काल भराई की है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ अभी हम लोग जा रहे हैं पिचकी से जामडी, हमारे कार्यकर्ता लोग आए हैं, कहते हैं कि उधर जिस तरह से यहाँ पे हुआ है उधर नहीं हुआ, तो उसे भी ठीक करना होगा, अन्यथा हम लोग अपने स्तर से उसको देखेंगे। और एनएचआई के लोगों ने इस तरह से काम किया, इसके कर्मचारी प्रोजेक्ट हेड पीडी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने काम किया है, मगर इसका रोड के साइड में और भी इस तरह के जीएसपी स्लैग गिरा के रखे। जब जब इस तरह का, जब तक ये रोड टेंडर नहीं होता है तब तक इस रोड का इसी तरह मरम्मती करें, मैं एनएचआई से यही आग्रह करता हूँ और ये निवेदन भी करता हूँ, साथ ही साथ उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद केंद्रीय सदस्य। बरसात का मौसम आते ही सांप दंश की ज्यादा खबर देखने को मिलती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में यह घटनाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन अब जमशेदपुर के युवाओं की टोली निकल पड़ी है लोगों को सांपों से और सांपों को लोगों से बचाने के लिए। यह जो युवाओं की टोली आप देख रहे हैं, इनके टी शर्ट में अजिंक्य लिखा हुआ है। सर्प रक्षक जो कि जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में काफी एक्टिव है, इनका मकसद है सांपों के जहर से लोगों को बचाया जाए एवं सांपों को भी लोगों से बचाया जाए। सांप को देखकर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, हम उसे डंडा उठाकर मार देते हैं या उसे हानि पहुंचाते हैं। लेकिन सर्प रक्षक कहते हैं कि सब हमारे पर्यावरण के मित्र हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। हर इंसान से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितना भी कहीं सांप निकले, भले अगल बगल जितने भी स्नेक सेवर हो, उसे आप तुरंत कॉल करके रेस्क्यू करने के लिए बुला लें, ताकि सांप भी बचे रहे, सांप से इंसान भी बचे रहे। हमारा नंबर, हमारा टीम का नंबर गूगल में भी है, व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट होता है। जब 2 बजे रात को, 12 बजे रात हो, हमारा टीम जमशेदपुर का हर क्षेत्र में जाता है और जमशेदपुर से बाहर सरायकेला, घाटशिला, चाईबासा तक भी जाते हैं हम लोग। टीम में मेंबर है 9। देखिए, सांप हमारे जमशेदपुर में जहरीला सांप सिर्फ 3 है, ऐसे तो 10 तरह का ज़्यादा सांप निकलता है। जहरीला सांप है जिससे हम सब नाग बोलते हैं, उसे स्पिटिकल कोबरा और ग्रामीण क्षेत्र में खोरिस बोला जाता है। जो ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में इंसान डेट होता है सांप का बाइट से, वो कॉमन करेत, उसको ग्रामीण क्षेत्र में चीती सांप बोला जाता है। और एक होता है बैंडेड करेत, जिसे बांसपाड़, राणा सांप भी बोलते हैं। ये 3 जमशेदपुर में जहरीला सांप ज़्यादा पाए जाते हैं। सांप देखिए, सांप पकड़ने के लिए हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जैसे स्टिक हो गया, हुक हो गया, टोंग हो गया, ग्लोव्स हो गया, ताकि हम लोग का इतना नॉलेज हो गया कि ऑल ओवर इंडिया एक हम लोग का ग्रुप है, उसमें इंडिया का हर बड़े बड़े स्नेक सेवर जुड़े हैं। कुछ हम लोग को जब जानकारी नहीं मिलता है तो उन लोग से कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं, ताकि सांपों का पहचान हो जाता है। वहीं संरक्षक की टोली में एकमात्र महिला सर्प रक्षक कहती है कि हम लोग की टोली लोगों को जागरूक करती है, सांपों से कैसे बचा जाए और सांपों को कैसे बचाया जाए। देखिए, हमारा काम है इंसानों को सांपों से बचाना और सांपों को इंसानों से बचाना, ये एक आहार श्रृंखला की कड़ी है। अगर सांप बचे रहेंगे तो पर्यावरण भी बचा रहेगा, क्योंकि खेतों में जो सांप रहते हैं वो धामिन सांप रहते हैं, वो चूहों को खा लेते हैं। तो हम जनता को जागरूक भी करना चाहते हैं कि सांपों को मारे नहीं, और आशा करते हैं कि जनता जागरूक हो के सांपों को मारेगी नहीं। हमारे जैसे अभी बहुत सारे रेस्क्यूअर्स हैं, उनको बुला के तो रेस्क्यू करवा लेगी, हम लोग उनको सुरक्षित जंगल में छोड़ दें। और हम आशा करते हैं कि बहुत जन जो हैं वो हमें बुलाते हैं, लेकिन बहुत जन मार देते हैं, बहुत जन दूध पिलाते हैं उसको, तो दूध इसलिए पिलाते हैं, सोचते हैं कि शंकर जी का आवाहन है, तो देखिए आस्था अपनी जगह है, लेकिन सांप दूध नहीं पीते हैं क्योंकि उनके शरीर में हड्डियां नहीं होती, उनको कैल्शियम हजम नहीं होता। तो इसलिए हम सब जनता से यही हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं कि घर में कभी भी सांप आए उनको छेड़छाड़ ना करें, मारे नहीं, और स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाकर उन्हें रेस्क्यू करवाएं। जमशेदपुर में ग्लोबल इंडिया मीडिया मार्ट एवं काइजन एसोसिएट द्वारा संयुक्त रूप से आगामी 15 सितंबर से कंज्यूमर एक्सपो का आयोजन गोपाल मैदान बिष्टुपुर जमशेदपुर में आयोजित की जा रही है।
बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन बहरागोड़ा के पूर्व विधायक श्री कुणाल सारंगी, उद्योगपति एवं समाज सेवी श्री नीरज सिंह एवं समाज सेवी श्री बीवी सिंह, भाजपा नेता आसिफ रिजवान खान एवं श्रीमती एकता जायसवाल के कर कमलों द्वारा संयुक्त रूप से मेले का पोस्टर लॉन्च किया गया। आयोजक भागीरथ छाबड़ा, आमोद कुमार एवं सुमित खुराना ने संयुक्त रूप से कहा कि कंज्यूमर एक्सपो में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्र के करीब 250 से अधिक स्टॉल लगेंगे, जिनमें ऑटोमोबाइल, फर्नीचर्स, होम अप्लायंसेस, होम डेकोर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंटीरियर्स, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, एजुकेशन कंसल्टेंसी इंडस्ट्रीज, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड फैशन प्रोडक्ट्स, सलून एंड स्पा, हेल्थ एंड फिटनेस, टूरिज्म, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, FMCG इत्यादि के स्टॉल लगेंगे और साथ ही इसमें अफगानिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल के भी स्टॉल शामिल होने की संभावना है। ट्रेड फेयर का मुख्य उद्देश्य जनता को घरेलू उपयोगी उत्पाद व देश के ख्याति प्राप्त उत्पाद एक ही परिसर में उचित मूल्य में उपलब्ध करवाना है। ट्रेड फेयर में आम जनों के लिए फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए आधुनिक उत्पाद व स्कीम लॉन्च किए जाएंगे। 15 सितंबर 2023 गोपाल मैदान बिष्टुपुर ग्लोबल इंडिया जमशेदपुर ग्लोबल ट्रेड फेयर का आयोजन होने जा रहा है। इस कंज्यूमर एक्सपो में तकरीबन 250 स्टॉल का पार्टिसिपेशन का प्लानिंग है और आने की बात हो रही है। तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इसके अलावा फर्नीचर, रियल स्टेट, एजुकेशन, हर तरीके की हर कैटेगरीज। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हर उम्र के लोगों के लिए, या इधर मेल फीमेल बच्चों सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। और हर दिन 12 दिन का जो ये कार्यक्रम है, हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होगा जिसका कि शहरवासी लिफ्ट उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आगामी जो हमारा फेस्टिवल सीजन चालू होना है तो इसमें एक ऐसा मंच होगा जहाँ पे घरेलू उत्पाद और बाकी जितने भी घर की उपयोगी चीज़ होती हैं एक छत के नीचे आसानी से उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी बात है कि डिस्काउंट और बेस्ट डील का जो अभी दौर है कि हर जगह सुनते हैं कि डिस्काउंट, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स ग्राहकों को मिलने वाले हैं, लोगों को मिलने वाले हैं। और लकी ड्रॉ वगैरह का भी आयोजन होगा। तो सबसे उम्मीद है शहरवासियों को यही सूचित करना चाह रहे हैं हम लोग कि थोड़ा इंतजार है 1.5 महीने का, उसके बाद हम लोग ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। पोचका के हाथा चौक में 31 जुलाई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। वहीं आदिवासी भूमि समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी। आदिवासी भूमि समाज के सलाहकार सिद्धेश्वर सरदार और जयपाल सिंह सरदार ने कहा कि भूमिज भाषा को झारखंड सरकार की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को नियमावली 2023 में सम्मिलित करने के लिए मांग करते हैं। वहीं एक समान नागरिक संहिता केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानून का विरोध भी हम लोग कर रहे हैं। वहीं मणिपुर राज्य में हुए मानव शर्मसार हिंसा के विरोध को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 31 जुलाई को हाथा चौक में किया जाएगा। हिंसा, महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न और उसका हम लोग आदिवासी भूमि समाज की ओर से निंदा करते हैं। प्रेस वार्ता का आयोजन है, इस आयोजन से इस संदेश यही देना चाहते हैं जो पिछले दिनों झारखंड सरकार के कैबिनेट ने आदिवासी भूमि समाज को 2023 के नियोजन नीति से विलोपित कर दिया। तो जब 2016 में हमारा भाषा था और वहाँ से शिक्षक बहाली हुआ और ऐसे 2023 में क्यों उसका विलोपित हुआ, तो हम लोग चाहते हैं कि इसके हर प्रतियोगी परीक्षा में हमारा भाषा को शामिल किया जाए और इसी के समर्थन में और विलोपित किया उसका विरोध में हम लोग ये धरना दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो समाज ने तय किए हैं कि जो मणिपुर में जो मानव शर्मसार हुआ है, वही जो हिंसा हुआ है, उसका हम लोग निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और समान एक समान कानून का जो UCC जो लागू कर रहे हैं केंद्र सरकार, वैसे कानून का हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि संगठित समुदाय को तो वो लोग स्थापित हो सकेंगे, लेकिन आदिवासी लोग जो खासपतित जमीन है वो सारे चीज़ खत्म हो जाएगा, उसका रस्म रिवाज, रूढ़ी विधि सब खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं।
भारतीय जनतंत्र मोर्चा में शामिल हुए दर्जनों युवा को विधायक सरयू राय ने सभी को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि विधायक सरयू राय के काम को देखकर और प्रभावित होकर तेजी से युवा भारतीय जनतंत्र मोर्चा में जुड़ रहे हैं। क्षेत्रों में जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी आदि कई मुख्य बातें कही। भारतीय जनतंत्र मोर्चा का पूरे झारखंड में जो वातावरण बना है, जो कार्यकर्ताओं का एक श्रृंखलाबद्ध रूप से दूसरे दल के कार्यकर्ता छोड़ के भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर आकर्षित हुए। पिछले दिनों रांची में जो बैठक हुई थी राज्य स्तरीय, उसमें ऐलान किया गया था कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोकसभा में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इस आभा मंडल के साथ हर एक जगह ये वातावरण बन रहा है कि हम भारतीय जनतंत्र मोर्चा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं। सरयू राय जी के कार्य पद्धति से प्रभावित होकर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर मुखर बोलने वाला एक ही विधायक है माननीय सरयू राय, और उनके ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है, चाहे शहर हो देहात, एकमात्र नेता है जो सर्वमान्य है, उनका नाम है सरयू राय। और उसके साथ भारतीय जनतंत्र मोर्चा की कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतरेगी और हम लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी लेंगे। देखिए, आज तक जो समस्याएं इस क्षेत्र में थी, जो जिसको कि पानी बिजली के बारे में कोई सोच ही नहीं पाया, आज जिसको का पानी बिजली इस क्षेत्र में आ रहा है, इसकी स्वीकृति मिल गई है। जो बिजली जो झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की थी, आज जहाँ बिजली कटेगी वहाँ जिसको को भी बिजली देना है, ये तय हो गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और कोई भी ऐसी समस्या जो जनहित से जुड़ा समस्या जो कोई नहीं उठाता है, वो माननीय सरयू राय जी उठाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को पड़ रही है, उस दिन भारतीय जनतंत्र मोर्चा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है और इस रक्तदान शिविर में युवा काफ़ी उत्साहित हैं। आज ही सभी लोगों ने हाथ उठा करके नाम लिख करके अपना नामांकन पंजीयन का शुरुआत कर दिया और हम लोग को उम्मीद है कि 25 सितंबर को राजेश जी इसके संयोजक हैं, बेहतरीन तरीके से पूरे जिला की टीम, मंडलों की टीम, सारे कार्यकर्ता मिलकर इसको बृहद रूप देंगे। और जो पंडित दीनदयाल जी का सोच था कि अंतिम व्यक्ति तक व्यवस्था जाए, जो रक्त जो है अंतिम व्यक्ति को मिल नहीं पाता है, भारतीय जनता मुख्य मोर्चा इसको सुनिश्चित करेगा। दूसरी बात है कि 13 अगस्त पूर्वी विधायक आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है, युवा मोर्चा इसका आयोजन कर रहा है, पूरी टीम लग रही है और ये CWA ग्राउंड केबुल में होने जा रहा है एक दिवसीय टूर्नामेंट, ये भी ऐतिहासिक होगा। और ये खेल की राजधानी है जमशेदपुर, भारतीय जनतंत्र मोर्चा एक पहल कर रही है, युवा जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं नशाखोरी में, नशा के व्यापार में, उसको दृष्टिकोण को बदला जाए और युवाओं में एक जागृत माहौल बने और युवा अपना व्यक्तित्व निखार सके खेल के माध्यम से। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।